नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू शुक्ला आपके सामने अगेन। दोस्तों, जीवन में समस्याएं जब भी आती हैं तो वो आपके अंदर असीम ताकत भर देती हैं, सोचने समझने एंड कह सकते हैं उस सिचुएशन से वो फेस करने की ताकत आप में बढ़ जाती है और उन ताकत के बल पर आप अपने जीवन को और भी मजबूत बना सकते हैं। बट ये होना चाहिए कि अथाह परिश्रम से प्रयास करना चाहिए। मैं आपके सामने एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक राजा के महल में कोई बाहर से आता है और एक बड़ा सा सुंदर सा पत्थर लेके जाता है। राजा सोचते हैं कि चलो इस पत्थर की एक मूर्ति बना लेते हैं और मूर्तिकार को बुलाया जाता है। बड़े बड़े माने जाने माने मूर्तिकार आते हैं और मूर्ति बनाने का प्रयास करने लगते हैं लेकिन सब विफल रहते हैं। तो गांव में एक होता है मूर्तिकार, सैनिक क्या करते हैं उनकी उसको दे के आते हैं और कहते हैं मूर्ति बनाओ। लगातार वो मूर्तिकार जुटता है, हथौड़ा मारता है, प्रयास करता है, लगातार 8, 10, 15, 20 खूब सारे तोड़े मारता है, लेकिन मूर्ति बनाने के लिए पत्थर टस से मक्स नहीं होता। तो अब जब वो पत्थर से मूर्ति नहीं बनती है तो वो पत्थर लेकर आता है और मंत्री को वापस कर देता है और कहता है कि भाई हम अब इस पत्थर की मूर्ति को नहीं बना सकते हैं क्योंकि ये नहीं बन सकती, मैंने बहुत प्रयास किया, तोड़ने का प्रयास किया, ये टस से मस नहीं हो रही। तो अब मंत्री भी परेशान कि क्या करें, क्योंकि राजा ने तो कहा है, राजा की बात माननी पड़ेगी। तो वही गांव में बहुत ही कह सकते अदना सा एक मूर्तिकार था जिसका कोई वजूद नहीं था। तो लोग बोले कि चलो एक काम करते हैं, उनको ही दे देते हैं, शायद वही मूर्ति बना दे। तो मंत्री उसके पास जाता है और कहता है कि भाई ये पत्थर है और आप मूर्ति बना दीजिए। तो उसने कहा ठीक है, उसने पत्थर लिया और मूर्ति बनाना शुरू किया। जैसे ही तो अब ये हुआ कि कैसे मूर्ति बनाएं, तो एक क्योंकि राजा ने कहा है तो मंत्रियों को वो मूर्ति बनानी थी, ठीक है, और ऑलरेडी पत्थर वापस आ चुका था। तो राजा ने सोचा, वो मंत्रियों ने सोचा कि क्यों ना किसी ऐसे को दे दिया जाए जिसका कोई वजूद नहीं है, शायद वो बना ले। मंत्री उसके पास पत्थर लेकर पहुंचे और कहा भैया ये पत्थर है, इसकी मूर्ति बना दो। तो वो बोला ठीक है बना देता हूँ, और उसने पत्थर लिया और एक जोर का हथौड़ा मारा, पत्थर टूट गया। तो इससे ये पता चलता है कि जब आप प्रयास करते हैं और जब आप अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, प्रयास करने से पीछे हट जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप अपने जीवन में आने वाली अपॉर्चुनिटी को रोक देते हैं। जैसे पहले वाले मूर्तिकार ने क्या किया, पत्थर को तोड़ने की तो कोशिश की और एक लिमिट पा के हताश हो गया। अगर वही दोबारा से अगेन पत्थर पर चोट करता तो पत्थर ऑटोमेटिकली शेप ले लेता, शेप लेने के लिए टूट जाता। तो ऐसे में हमेशा प्रयास करना चाहिए, निरंतर 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 एक लिमिट पे आके आपका प्रयास सक्सेसफुल होगा। तो बच्चों, ये मेरा कहने का मतलब है कि आप अगर अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो आपको प्रयास करना होगा। आप बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं और सरेंडर कर देते हैं, ये ठीक नहीं है। और रही बात है अगर आप अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो आप जिस क्लास में हैं उस क्लास से के हर एक विषय से प्रेम करें। जब आप प्रेम करेंगे तब आप उस सब्जेक्ट को ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे तो आप अपने जीवन में सक्सेसफुल होंगे। तो कामयाब होना है तो प्रयास करना है। बेस्ट ऑफ लक।